प्रेरणा कथा, मैं ही जीतूंगा। एक गांव में दो लकड़हारे थे, दोनों ही साथ साथ जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे। एक दिन दोनों में बहस हो गई कि उन दोनों में से कौन एक पूरे दिन में ज्यादा लकड़ियां काटेगा। अगली सुबह दोनों ही निर्धारित समय पर जंगल पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे से कुछ दूरी पर लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। पहले तो दोनों बहुत ही गति से लकड़ियां काटने लगे, परंतु एक घंटे के बाद उनमें से एक ने सुना कि दूसरे लकड़हारे ने लकड़ियां काटना छोड़ दिया था। उसने सोचा कि शायद वो लकड़हारा थक गया था, इसलिए उसने और भी जोर से काटना शुरू कर दिया। 10 मिनट के बाद दूसरे लकड़हारे ने भी फिर से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद फिर से दूसरे लकड़हारे ने लकड़ियां काटना रोक दिया। पहले लकड़हारे ने सोचा कि दूसरा फिर से थक गया था, वो और भी जोर से लकड़ियां काटने लगा। उसको लगने लगा कि वो तो जीत ही जाए। पूरे दिन यही होता रहा। पहला लकड़हारा लगातार काटता रहा, परंतु दूसरा लकड़हारा हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए रुक जाता था। पहले वाले को पूरा विश्वास था कि वो ही जीतेगा। शाम को जब दोनों ने काम रोका तो लगातार लकड़ियां काटने वाला हैरान हो गया, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट विश्राम करने वाले दूसरे लकड़हारे ने उससे ज्यादा लकड़ियां काट दी थी। लगातार लकड़ियां काटने वाले ने चकित होकर दूसरे से पूछा, तुम तो हर 1 घंटे के बाद रुक जाते थे, फिर भी तुमने मुझसे ज्यादा लकड़ियां कैसे काट ली? तुम तो हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम लेते थे। जीतने वाले लकड़हारे ने कहा, हाँ मैं हर 1 घंटे के बाद रुक जाता था, परंतु मैं विश्राम नहीं करता था, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। तुम एक ही कुल्हाड़ी से पुरानी धार से लगातार काटते रहे, परंतु मेरी कुल्हाड़ी हर 1 घंटे में फिर से तेज धार वाली हो जाती थी और ज्यादा तेज काट सकती थी। मित्रों, कुछ लोग दूसरों से ईर्ष्या करने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम में खोए हुए बिल्कुल सही ढंग से काम करते रहते हैं। वो काम को और गति से करने के लिए तरीके खोज देते हैं और बिना विचलित हुए काम करते रहते हैं। यह मंत्र हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, सही व्यक्ति, सही सोच, सही यंत्र और सही परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।